नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ये जो वार्निंग लाइट्स होती हैं, तो मैं आज आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, ये स्विफ्ट डिज़ायर डीजल का है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाली लाइट की। तो ये वाली लाइट होती है ऑयल प्रेशर लाइट। तो जैसे जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपने अभी इग्निशन पर आप उसको किया है की को, तो ये वाली जो लाइट होती है तो ये ऐसे ऑन होती है, और जब आप स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को तो ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। और अगर ये लाइट बंद नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंजन है, तो जो इंजन ऑयल का प्रेशर है तो वो ठीक नहीं है, वो अच्छी तरह से जो इंजन ऑयल का प्रेशर नहीं बन रहा। तो अगर कभी आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो ये लाइट आ जाए तो अपनी गाड़ी को रोक लें और साइड पे लगा लें। इसके जैसे ये ऑन है तो इसके साथ गाड़ी को मत ड्राइव करें। तो अब बात करते हैं ये वाली लाइट की। तो ये वाली जो लाइट होती है तो ये मल फंक्शन इंडिकेटर लाइट होती है। और ये लाइट भी जब आप कार को स्टार्ट करते हैं तो ये लाइट है जो वो बंद हो जानी चाहिए। अगर जैसे आपका गाड़ी का इंजन स्टार्ट है और ये लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो इमिशन कंट्रोल सिस्टम होता है तो उसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये वाली जब लाइट इंजन ऑन होने के बाद ये लाइट चलती रहे तो अपनी जो गाड़ी है तो उसको किसी जो मैकेनिक को दिखा लें। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है तो इसके ऊपर एक और भी लाइट आती है और उसको बोलते हैं ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट। तो ये जो आप लाइट देख रहे हैं तो ये ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट होती है। तो ये जो लाइट होती है तो ये ज़्यादातर जब सर्दियां होती हैं तो जो इंजन ठंडा होता है तो जो ग्लो प्लग्स होते हैं तो ये जो इंजन का जो कंबशन चैम्बर होता है तो उसको गर्म करते हैं। तो जैसे गर्मियां होती हैं तो तब ये जो लाइट होती है तो ये आमतौर पर नहीं जगती क्योंकि जो इंजन होता है तो वो पहले ही गर्म होता है। तो जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे मैंने अब जो इसकी की है उसको इग्निशन ऑन पे किया है तो जो ग्लो प्लग का साइन नहीं आ रहा। तो अगर जैसे सर्दियां होंगी तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो उस पर ग्लो प्लग का साइन आएगा और थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएगा। तो ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये चार्जिंग लाइट होती है। तो जैसे जो गाड़ी का जो इग्निशन होता है तो इसको हम ऑन पोजीशन पे करते हैं तो ये जो लाइट होती है तो ये ऐसे ऑन रहती है, पर जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ये जो लाइट है तो वो बंद हो जानी चाहिए। अगर जैसे अब गाड़ी स्टार्ट है तो ये लाइट ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी का जो चार्जिंग सिस्टम है, जैसे जो अल्टरनेटर होता है तो वो चार्ज करता है बैटरी को, तो जो गाड़ी का चार्जिंग सिस्टम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं तो इसका तो आपको पता ही होगा, ये सीट बेल्ट वार्निंग लाइट होती है। तो अब बात करते हैं ये वाली लाइट की। तो ये जो लाइट होती है तो ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग लाइट होती है। तो ये लाइट भी जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर ये लाइट जैसे आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं जहाँ आपका इंजन ऑन है तो ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो रही है या यहाँ पर ये लाइट दोबारा से आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम है पावर स्टीयरिंग का तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, यानी कि आपका जो स्टीयरिंग सिस्टम है पावर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये ब्रेक सिस्टम वार्निंग लाइट होती है। तो ये आमतौर पर जब हम जो जैसे ये पार्किंग ब्रेक है तो इसको लगाते हैं तो तब ये ऑन होती है। और इसके अलावा जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो अगर तब ये वाली जो लाइट है तो ये ऑन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पर जो हम ब्रेक फ्लूड डालते हैं
तो वो जो रिजर्वायर होता है तो उसमें जो ब्रेक फ्यूल फ्लूइड का जो लेवल है तो वो कम है, तो तब ये लाइट ऑन हो जाती है। तो अब मैं आपको ये वाली जो लाइट है तो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वाली लाइट है जो, तो ये जो लाइट होती है तो ये इमोबिलाइजर सिस्टम लाइट होती है। तो जैसे आप गाड़ी को जैसे इग्निशन स्विच पर जैसे हम ऑन करते हैं, इसका इग्निशन ऑन पे लेके आते हैं, तो जो ये लाइट होती है तो ये थोड़ी देर के बाद बंद हो जानी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये लाइट बंद हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इसका इंजन का सिस्टम है इमोबिलाइजर सिस्टम, तो वो ठीक है गाड़ी का। और अगर ये लाइट ऐसे ही रहती है, नहीं जाती, तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी का इमोबिलाइजर सिस्टम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब मैं आपको ये वाली लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं लाइट, तो ये लाइट होती है वाटर इन फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट होती है ये वाली। तो ये जो लाइट होती है तो ये जब आप गाड़ी की जो जैसे इसे इग्निशन पे लेके आते हैं तो ये जैसे एक बार आके बंद हो जाती है। तो अगर जैसे आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया तो उसके बाद भी ये लाइट जो नहीं जाती, तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी का जो डीजल फिल्टर है जो, तो उसमें पानी है। तो ये जो लाइट है तो जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ये जो लाइट है तो ये बंद हो जानी चाहिए। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये वाली, तो ये जो हाई बीम इंडिकेटर लाइट होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी के मेन लैंप्स हैं तो उनकी जो हाई बीम है तो वो ऑन है। तो ऐसे जब आप हाई बीम को बंद कर देंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।